ये साल 1949 का वो जमाना था कि जब माओ ज़ेडुंग ने चीन की हुकूमत संभाली। उस वक्त जंग से तबाह हाल चीन गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। तब अक़वामे मुत्तहिदा ने चीन के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा गरीब मुल्क है कि जिसके 800 मिलियन से ज्यादा शहरियों के लिए सिर्फ 150 बिलियन अमरीकी डॉलर की ही मजमूई कौमी पैदावार मौजूद थी। चीन के माशी हालात बद से बदतरीन होते चले जा रहे थे कि उसी दौरान चीन के बानी माओ ज़ेडुंग 1976 में इंतकाल कर गए। उनके बड़े मंसूबों में 1958 से 1962 तक का 4 साल का प्रोग्राम ग्रेट लैब फॉरवर्ड भी शामिल था, जिसका मकसद तो चीन की ज़रई मईशत को तब्दील करना था। लेकिन इसकी वजह से चीन में एक ऐसा बदतरीन कहत पड़ा जिसमें कम से कम 1 करोड़ अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा 1966 से 1976 तक का सकाफती इनकलाब, जो माओ की एक मुहिम थी, उसमें भी लाखों अफराद हलाक और मुईशत मफलूज होकर रह गई थी। गुर्बत और भूख की इसी सूरत हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी रिंग जियाओपिंग ने निजाम की तब्दीली की एक तजवीज पेश की और चीन एक ऐसे सफर पर निकल खड़ा हुआ कि जिसकी मंजिल आज के चीन की कामयाबी और तरक्की की सूरत में नजर आती है। मगर सवाल ये है कि रिंग जियाओपिंग कौन थे और उन्होंने गुर्बत से भरे चीन को तमाम तर मुश्किल से कैसे निकाला था। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं गरीब चीन के दौलतमंद होने की अनोखी कहानी। दोस्तों, चीन में जब लोग भूख और गुर्बत से मर रहे थे तो उसी दौरान चीन का बानी भी अपनी तबाही मौत के नतीजे में अपनी कौम को छोड़ गया था। उसके गुजर जाने के बाद कम्युनिस्ट रहनुमा रिंग जियाओपिंग ने हुकूमत संभाली और फौरी तौर पर एक अजीबो गरीब मुहिम शुरू करवा दी। उस मुहिम को इस्तलाह और इफ्तिताह का नाम दिया गया और सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक ये प्रोग्राम 740 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने में कामयाब हुआ। रिंग ने चीन के पुराने निजाम को अलविदा कहा और इक्तसादी इस्तलाहात के एक नए सिलसिले को फरोग दिया, जिसमें ज़राअत, निजी शोबे की खुद मुख्तारी, सनती जिद्दत और चीन को तजारत का आलमी मरकज बनाने पर तवज्जो दी गई। इस रास्ते ने चीन को माओ ज़ेडुंग के कम्युनिज्म सिस्टम से बाहर निकाल दिया था। फिर चीन में सही मायनों में तब्दीली का आगाज 1978 में उस वक्त हुआ कि जब चीन उस मुल्क से बहुत मुख्तलिफ था जिसकी मुईशत का आज अक्सर अमरीका या यूरोपीय यूनियन से मवाजना किया जाता है। रिंग ने नाम नहाद 4 जदीदकारी के प्रोग्राम और एक ऐसी मुईशत का इंतखाब किया जिसमें मार्केट का किरदार ज्यादा था। इनके इस प्रोग्राम की 18 दिसंबर 1978 को तौसीक की गई और फिर अगले चंद ही सालों में ऐसी तब्दीलियां अमल में लाई गई कि जो उस वक्त तो सिर्फ ख्वाहिशात पर मबनी लग रही थी, मगर पार्टी के इंतहाई कदामत पसंद तबके की मुखालफत के बावजूद इस नए प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। मसलन हम चीन के ज़रई शोबे की मिसाल ले लेते हैं। वहाँ की ज़रात में देही मुईशत के माओ के निजाम को तर्क कर दिया गया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़रई पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना मुमकिन हो सका। फिर चीन के तमाम इलाकों को गुर्बत से निकालने के अलावा मजदूरों की शहरों की तरफ नकल मकानी की हौसला अफजाई भी उसी मुहिम के तहत हुई। अवामी जमहूरिया चीन के क्याम के बाद से पहली बार मुल्क को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए भी खोल दिया गया। खसूसी इक्तसादी ज़ोन्स बनाए गए, जैसा कि शेनजियन शहर की मिसाल हमारे सामने है, जिसमें एक नाकाबिले यकीन तब्दीली आई और आज इसे अक्सर चीनी सिलिकॉन वैली के नाम से पुकारा जाता है। इस नई पॉलिसी के बाद फिर बैरूनी दुनिया ने चीन की पैदावारी सलाहियत और नए इंतजामी तरीकों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। उन तब्दीलियों ने एक तवील अमल के बाद बिल आखिर चीन को 2001 में आलमी तजारती तंजीम का हिस्सा बना दिया। यू चीन ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा, जिससे इसे मुआशी अरूज हासिल करने में बहुत मदद मिली। 2008 में जब आलमी मालियाती बहरान शुरू हुआ और मगरिब ने नई मंडियों की तलाश शुरू की, तो ऐसे में चीन सबका इंतखाब बन गया और यूं ये दुनिया भर की फैक्ट्री में तब्दील हुआ। MDS ट्रांसमोडल, जो एक ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी फर्म है, उसके मुताबिक मलाइशिया और बांग्लादेश अब गवर्नमेंट्स बनाने वाले बड़े ममालिक बन गए हैं, जबकि यही काम 15 साल पहले चीन में हो रहा था। वियतनाम ने भी 2014 के बाद तजारती मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा नाम पैदा किया है, जबकि इसके मुकाबले में यही काम चीन कई दहाइयां पहले ही अंजाम दे चुका है। आज जहां सारी दुनिया फिजाई आलूदगी जैसे आलमी दुश्मन से नबर्द आजमा है, वहीं शिकागो यूनिवर्सिटी में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2013 और 2020 के दरमियान ही अपनी हवा में नुकसानदेह ज़र्रात की मिकदार में 40% कमी कर ली थी। लेकिन बहुत सी मुस्बत तब्दीलियों के बावजूद चीन में जो चीज आज भी बरकरार है, वो इनका
का अजीबोगरीब सियासी निजाम है। दरअसल पिछली कई दहाइयों से चीन में एक जमाती निजाम हुकूमत में कोई तब्दीली नहीं आई। नाकदीन इस बात की मजम्मत करते हैं कि चीन में इंसानी हकूक का जबर बढ़ रहा है और मौजूदा सदर शी जिनपिंग ज्यादा ताकत हासिल करने के साथ साथ इंसानी हकूक और आजादियों पर पाबंदी भी आयद कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में चीन के क्याम की 76वीं सालगिरह के मौके पर सदर शी ने यकीन दिलाया था कि चीन का मुस्तकबिल रोशन है और इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह चीन तमाम पहलुओं से गुरबत से खुशहाली की तरफ गामजन है।